नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा की हार के कारण प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 7 दिसंबर को आए नगर निगम चुनाव परिणाम में भाजपा को 104 सीटें मिली थी और वह नगर निगम में चौथी बार सरकार बनाने से वंचित रह गई थी। पार्टी की हार के बाद से ही आदेश गुप्ता के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से इशारे के बाद रविवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करा दिया गया है। बता दें, आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष पद नियुक्त होने के पहले एक पार्षद थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद मनोज तिवारी के इस्तीफा देने के बाद उन्हें 2 जून 2022 को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो वही पार्टी कार्यकर्ता और दिल्ली वासियों के लिए वे एक अनजान चेहरे थे, लिहाजा उनकी नियुक्ति के बाद से ही उनके अध्यक्ष बनने के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन केंद्र नेताओं के आशीर्वाद से वे अब तक अपने पद पर बने रहे। वहीं बता दें, निगम चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी की साख ना बचाए पाने के कारण उनकी कुर्सी 6 महीने पहले ही चली गई। तो पार्टी के सामान्य नियमों के मुताबिक वे नियुक्ति के बाद 3 साल तक अपने पद पर बने रह सकते थे। बीजेपी सूत्रों के अनुसार शाम के समय चुनाव परिणाम की समीक्षा बैठक में उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। कथित तौर पर आदेश गुप्ता ने अपनी नियुक्ति को पार्टी केंद्र नेतृत्व का आशीर्वाद बताया था और कहा था कि उन पर इस्तीफा देने का दबाव ना बनाया जाए और जब तक केंद्र नेता चाहेंगे वे अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन इसके बाद उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया और आखिरकार रविवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।